जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का लगातार यहां पे मेडिकल चल रहा है और मैं यहां से जो भी बच्चे डेली निकलते हैं उनसे रिव्यू लेकर के आप तक उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बताने का प्रयास करता हूं जो यहां पे आवश्यक है आपके लिए देखना और जानना। तो देख पा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या हुआ है और कैसे डॉक्यूमेंट्स चेकअप हुए हैं। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एबीसी हिंदुस्तान चैनल में। धन्यवाद भैया। कहाँ से आए आप? मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए साइड में ताकि किसी को दिक्कत ना हो आने जाने में। ये बताइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के क्या क्या समस्याएँ बच्चों को झेलना पड़ रहा है? जैसे अब फॉर्म में अगर कोई त्रुटि है, हाँ, तो उसके उसको लेकर भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ रहा है। और जो ईवीसी है, ईवीसी तो आपका पुराने इनकम सर्टिफिकेट पर बन जा रहा है, उसको भी जमा करना पड़ रहा है। और नया, अगर नया सर्टिफिकेट पे आप ईडब्ल्यूएस बनवाएं तो वो भी जमा करना पड़ रहा है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है इनका कि अगर आपने पेमेंट 250 किए हैं तो आपका पुराना इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आपने उसमें जो आप नंबर डाले हैं पुराने सर्टिफिकेट का, वो वही लगेगा। कंपलसरी है। तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बच्चों को लाने जरूरी है? रेलवे के फॉर्मेट पे अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं तो आप नए वाले पे बनवाए होंगे तो वो नया इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर फॉर्मेट पे नहीं है तो भी दिक्कत है। अच्छा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यहाँ पे? वही मोस्टली टेंथ का सर्टिफिकेट लग रहा है, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लग रहा है, और ईवीसी और EWS, अगर OBC है तो OBC, STSC। और ये OBC वाले DM लेवल से ही मोहर मार वेरीफाई करके चाहिए। सिर्फ OBC या SC ST वालों को? मुझे जहाँ तक OBC वालों को तो रोका था इसीलिए कि वो DM लेवल तक का होना चाहिए। तो ये बताइए भैया कि जो अभी बच्चे आने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वही OBC वाले अपना DM लेवल से वेरीफाई करा लें तो ज़्यादा बेनिफिट है उनके लिए। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वही कुछ नहीं, सब यहाँ पे स्टाफ फ्रेंडली हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कोई त्रुटि भी हो रही है तो आप अंडरटेकिंग भरवा के वो एक नोटरी बनवा के जमा करने के लिए बोल रहे हैं, अंडरटेकिंग भरवा ले रहे हैं, बोल रहे हैं एक हफ्ते में आप अंडरटेकिंग जमा कर दीजिए, नोटरी ला के एक हफ्ते के अंदर जमा कर दिए। हमारा था एक जगह त्रुटि तो हमने आज ही जमा कर दिया, यहीं कचहरी से ही बनवा। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर मैं बीटेक किया हूँ, मैंने बीटेक उसमें डाल भी दिया है, ITI भी डाल दिया है, ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन का भी डाल दिया है, क्या इसका मामला है? क्या इसका भी सर्टिफिकेट लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहेंगे तो लग जाएगा। टेंथ बेस पे ये वैकेंसी थी तो आप टेंथ बेस का तो चाहिए ही। आप बाद में आप ऐड करा सकते हैं एप्लीकेशन भर के, ज्वाइनिंग के टाइम आप एप्लीकेशन एक लिख के आप अपना एडिशनल एजुकेशन ऐड करा सकते हैं। तो ये बताइए, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अगर बीटेक किए हैं तो आप अपनी डिग्री लेकर के आ सकते हैं? हाँ, ये कंपलसरी नहीं है, ला भी सकते, अगर है तो अच्छी बात है, जमा कर दीजिए। बाकी वगैरह और कोई समस्या नहीं है? और कोई समस्या नहीं है। मेडिकल आपका कब है? मेरा कल ही है, 8 बजे रिपोर्टिंग करना है यहीं गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर में ही है। चलिए भाई साहब का देखिए, गोरखपुर में ही है और इनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है कि जहाँ से आपके घर से नज़दीक का सेंटर होगा मेडिकल का, वहीं पे आपका मेडिकल हो रहा है। एड्रेस जहाँ आपका नज़दीक पड़ रहा है वहीं सेंटर दे रहा है मेडिकल का। तो साथियों, ये थे हमारे भाई साहब जो आपको पूरा व्यू दिए हैं कि क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं और क्या क्या समस्याएं बच्चों के हैं, उन सभी समस्याओं पे मैंने बात किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया है उन लोगों से तो ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।